चलो ठीक है, चालू करेंगे अभी अपन प्लेस ऑफ सप्लाई से। पहले प्लेस ऑफ सप्लाई के पूरे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते, फिर अगर टाइम बचा आज का तो अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। चलो ठीक है, सबका ध्यान अभी स्क्रीन के ऊपर। अरे बाप रे, चलो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो आएगा आपका गुड्स का, दूसरा कौन सा आएगा आपका सर्विस का। गुड्स के अंदर दो सेक्शन पढ़ेंगे अपन, सेक्शन 10 सेक्शन 11। ध्यान से पढ़ना, POS प्लेस ऑफ सप्लाई, ये IGST एक्ट के अंदर अपन पढ़ने वाले। और सर्विस के लिए भी दो सेक्शन देंगे, सेक्शन 12 सेक्शन 13। यहाँ पे सेक्शन 10 और सेक्शन 12, मैं ऑफिस से बता रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड्स नहीं है, बट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन इसको कौन सा ट्रांजेक्शन समझेंगे, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। और सेक्शन 11 और सेक्शन 13 इसको अपन कौन सा समझेंगे, इंटरनेशनल टैक्सेस, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। सेक्शन 10 के अंदर है ना, देखो कितने पॉइंट्स रहेंगे आपके, टोटल 5 पार्ट्स रहेंगे। कितने पार्ट्स है टोटल? 5। सबसे पहला वाला, जब आप लोग देखो सेक्शन 10 सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन की। कौन सा ट्रांजेक्शन की? डोमेस्टिक, यानी कि सप्लायर भी इंडिया में, रेसिपिएंट भी इंडिया में, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपका इंडिया के अंदर आएगा। तो सबसे पहला वाला पॉइंट क्या बोलता है, गुड्स का क्या हो रहा है आप लोगों का, मूवमेंट हो रहा है, यानी कि गुड्स एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, जहां पे गुड्स का डिलीवरी मतलब मूवमेंट खत्म हुआ, वो बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। लेट से पुणे का एक बंदा गया दिल्ली में, दो डीलर के पास गया, डीलर नंबर 1 डीलर नंबर 2। डीलर नंबर 1 को क्या बोला, मेरे गुड्स तू पुणे में भिजवा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, पुणे बन जाएगा। वेयर एज ये बंदा इसके पास गया और इसके काउंटर पे से गुड्स को लेके आ गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, वो बंदे का काउंटर, यानी कि क्या बन जाएगा, दिल्ली। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे सेकेंड केस कौन सा आता है आपका, बिल टू शिप टू मॉडल। अभी इस केस में क्या हो गया, पुणे वाले बंदे ने दिल्ली वाले बंदे को ऑर्डर दिया और दिल्ली वाले बंदे को क्या बोला, तू गुड्स को डिलीवर कर इंदौर में मेरे बिहाफ पे। तो दिल्ली वाला बंदा बिलिंग किसके नाम पे करेगा, पुणे वाले के नाम पे करेगा, और शिपिंग किसके नाम पे करेगा, इंदौर वाले के नाम पे करेगा। तो इसको बोलते हैं अपन बिल टू शिप टू मॉडल, जहां पे बिलिंग किसी एक पर्सन के नाम पे हो, शिपिंग किसके दूसरे पर्सन के नाम पे हो। इस केस में भले ही शिपिंग इंदौर में हुआ था, गुड्स का मूवमेंट इंदौर में खत्म हुआ। आवाज कम आ रही है, 2 मिनट 2 मिनट मैं ठीक कर देता हूँ। चलो अभी ठीक से आएगी आवाज। तो इस केस के अंदर भले ही आपका जो शिपिंग है, यानी कि जो मूवमेंट है, वो कहाँ पे खत्म हुआ था, इंदौर में खत्म हुआ था, बट बिलिंग एड्रेस क्या है आपका, पुना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा इस केस में, पुना। ठीक है, फिर अगला पॉइंट किसकी बात करता है, वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। मैं यहाँ पे मैं गया किधर गया, एक कंपनी खरीदने के लिए गया। लेट से कौन सी कंपनी खरीदे, कौन सी खरीदने की रहे, बोट कंपनी खरीदे, नहीं जानता, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो इनका ही एग्जांपल देख लेते, चलो नहीं तो ये जाने दो। मैंने ना शुभम सर का घर खरीदा, शुभम सर ने एक बंगला बनाया था, बंगलो, मैंने वो बंगलों को परचेस किया। तो जब मैंने बंगलों को परचेस किया, बंगलों के अंदर सर्टन AC थे, TV थे, वो
और क्या लगा रहेगा, फ्रीज रहेगा, वैक्यूम, जो भी है ये सब चीजें लगी थी। तो इस केस में जब मैंने इनका बंगला खरीदा, मैं सर को क्या बोला कि मैं आपको बंगले के 1 करोड़ रुपए देता और अंदर का जो भी आपका फर्नीचर है वो वैसे का वैसे रहने दो, मैं आपको उसके 20 लाख रुपए देता। तो ये 20 लाख रुपए के अंदर जो भी मैंने प्लांट एंड मशीनरी रहेगा सर का वो खरीदा, क्या उसको उठा के मैं मेरे घर पे लेके गया, या बस वहीं पे पोजेशन मुझे मिल रहा है, सिर्फ पोजेशन मिल रहा है वहां पे। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, वही लोकेशन जहां पे वो गुड्स थे जब मैंने उसका पोजेशन लिया, ठीक है। फिर वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि यहां पे एक सप्लायर किसको सप्लाई कर रहा है, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, किसको सप्लाई कर रहा है, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, अगर ये रेसिपिएंट का एड्रेस मालूम है तो वो लोकेशन, अगर वो नहीं मालूम है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ही बन जाएगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। चलो अगला पॉइंट किसकी बात करता, मैंने गुड्स को एक साइट के ऊपर असेंबल किया नहीं तो इंस्टॉल किया। लेट से पुणे का एक बंदा है, उसने आसाम की एक कंपनी को ऑर्डर दिया था लिफ्ट इंस्टॉल करने का। लिफ्ट कहाँ पे इंस्टॉल हो रही है मेरी, गोवा में। तो मेरा देखो पुणे में था रेसिपिएंट, सप्लायर किधर का था, आसाम का, बट प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन क्या था मेरा, गोवा। इसके लिए मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, गोवा। फिर अगला पॉइंट रहता है सप्लाई ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, यानी कि एक गाड़ी जा रही थी, आपने उसके ऊपर चढ़ के कुछ गुड्स को बेचा, जैसे कि रेलवे जा रही थी। तो लेट से ये रेलवे का ट्रैक है, रेलवे स्टार्ट हुई है मेरी जम्मू से, कहाँ पे जा रही है, गोवा। एक बंदा बीच में इंदौर में ट्रेन के ऊपर एम्बार्क किया, यानी कि ट्रेन के ऊपर चढ़ा चीजें बेचने के लिए, उसने इधर चीज कहीं पे भी बेची रहे, उसने कहां पे अपने गुड्स को ट्रेन के ऊपर ऑन बोर्ड किया, यानी कि कहां पे चढ़ाया, इंदौर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, इंदौर, ठीक है। उसके बाद में ये सेक्शन 11 है, ये बात करते हैं मेरे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यानी कि कुछ पार्ट इंडिया में, कुछ पार्ट आउटसाइड इंडिया। तो अगर मैं गुड्स को इंपोर्ट कर रहा, अच्छा इंपोर्ट कर रहा मतलब क्या, इंडिया के बाहर से इंडिया में लेके आ रहा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, जो रहेगा लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। और अगर मैं गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, यानी कि इंडिया से इंडिया के बाहर बेच रहा हूं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, लोकेशन आउटसाइड इंडिया, ठीक है। फिर अपन अभी देखेंगे सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13, जो की बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेक्शन 12, जहां पे सप्लायर भी इंडिया में, रेसिपिएंट भी इंडिया में। तो सेक्शन 12-2, सेक्शन 12-2 ध्यान से देखना, वो क्या बोलता है कि भैया देखो, अगर आप सेक्शन 12-3 से सेक्शन 12-14 में फॉल होते हैं ना, तो आप लोगों का प्लेस ऑफ सप्लाई 12-3 से 12-14 के हिसाब से बताओ, ठीक है। अगर तुम वो स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल नहीं करते ना, तो मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। अच्छा सेक्शन 12-2 बोल रहा, अभी सेक्शन 12-2 क्या बोल रहा है, देखो भाई मेरी बात सुनो, क्या आप लोगों का रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अगर ये बंदा रजिस्टर्ड रहा ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बट अगर ये अनरजिस्टर्ड है, तो क्या उसका एड्रेस तुम्हें पता है। अगर एड्रेस नोन है तुम्हें, एड्रेस किसका, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट का, अगर तुम्हें उसका एड्रेस मालूम है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बट अगर ये भी तुम्हें अननोन है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर, क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर। इज इट क्लियर, समझा सबको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख दो इस बात का। ओ भैया
चलो हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट यार मैसेज नहीं आ रहे तुम्हारे आज, मजा नहीं आ रहा, फिर पटपट रिप्लाई करो, समझा क्या? नहीं ठीक है। चलो अभी अगला सेक्शन है आपका 12.3, जो कि बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इसको कैसे याद रखने का कि देखो, अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आप लोग कोई भी सर्विस दे रहे हो, अच्छा आप लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी को सर्विस दे रहे हो मतलब क्या, हो सकता है आप इधर पेंटिंग करो, हो सकता है आप इसका कंस्ट्रक्शन करो, हो सकता है आप इसको आर्किटेक्ट की सर्विस दो, कोई भी सर्विस आप लोगों ने इमूवेबल प्रॉपर्टी को दी, या फिर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी ने कोई सर्विसेज दी। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी सर्विसेज देगा आप लोगों को? रेंट पे देना, देखो कोई होटल में आप लोगों ने स्टे करने का फैसिलिटी लिया, कहीं पे आपने बैंकेट हॉल बुक किया रहेगा, कहीं पे सैम सर ने ओयो बुक, सॉरी सैम सर ने बिजनेस ट्रिप का कोई रूम वगैरह बुक किया रहेगा, ठीक है ये सब आती आती। कहीं पे किसी की शादी हो रही रहेंगी तो शादी का हॉल आ जाएगा, तो ये सब सर्विसेज कौन देता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी ये सब सर्विस देता। तो इस केस में सिंपल है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या आएगा? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर सर? अभी एक बात बताओ, एक इंटीरियर डिजाइनर ने, ठीक है लेट्स से इंटीरियर डिजाइनर था दिल्ली का, किधर का था? दिल्ली का, यानी कि ये बन गया सप्लायर। एक रेसिपिएंट था जो कि पुणे में बैठा था, उसको अपना एक रिसॉर्ट बनाने का था गोवा में, तो उसने इंटीरियर का सर्विस लिया गोवा के रिसॉर्ट के लिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? गोवा। क्या बन जाएगा? गोवा। लेकिन मजा ऐसी हुई ना, इसने एक एक बनाया गोवा में और दूसरा बनाया आसाम में, तो अभी इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई एक आएगा या दो आएंगे? दो आएंगे। तो कौन से दो आएंगे? एक आएगा गोवा, दूसरा आएगा आपका आसाम। अभी मजेदार बात सुनो सर, रेसिपिएंट अभी भी पुणे का है, इंटीरियर डिजाइनर अभी भी किधर का है? दिल्ली का। लेकिन भैया ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी किधर सिचुएटेड है आपकी? आउटसाइड इंडिया। प्रॉपर्टी किधर सिचुएटेड है? आउटसाइड इंडिया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्या बन जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा मेरा इस केस में? पुणे। क्या आएगा? पुणे। समझा आप लोगों को? पक्का? ठीक है चलो। देखो यहाँ पे इसके आंसर्स अपन देखेंगे। अरे हाँ, सप्लायर किधर का है? दिल्ली। रिसीवर किधर का है? पंजाब। लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी किधर का है? ओरिसा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा मेरा पहले वाले केस में? ओरिसा। फिर दूसरे में हरियाणा का है, पंजाब का है, वेस्ट बंगाल है। प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल। दिल्ली का है, उत्तर प्रदेश का है, इटली का है। क्या आएगा? क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। देखो ये पॉइंट यहाँ पे पढ़ो एक बार, इधर गया रहे। हाँ कर लो रीड सब लोग। है ना? ठीक है। फिर अगला पॉइंट, दिल्ली राजस्थान। दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? दिल्ली। दिल्ली का कौन है सप्लायर? रिसीवर किधर का है? फ्रांस। इमूवेबल प्रॉपर्टी किधर है? कनाडा। तो मुझे बताओ ना, क्या ये बंदा इंडिया में सिचुएटेड है या आउटसाइड इंडिया? आउटसाइड इंडिया। तो इस केस में देखो, इसको क्या मानेंगे अपन? एक्सपोर्ट। व्हाई? बिकॉज माय रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, में आउटसाइड इंडिया सर्विस दे रहा हूं। समझा क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा आपका? फ्रांस। क्लियर है? चल अगला पॉइंट किसकी बात कर रहा है? ब्यूटी ट्रीटमेंट, फिटनेस, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ सर्विसेस इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। अगर ये सर्विसेज आप लोग कोई भी कर रहे हो, जैसे कि समझो मैं होटल में जाके खाना खा रहा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? जहां पे एक्चुअल में ये सब काम हुआ था, यानी कि इस केस में जहां पे होटल में खाना खाया था, मैं गया मनाली घूमने के लिए, मनाली में खाना खाया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? मनाली आएगा। मेरी शादी हो रही है, एग्जाम्पल मेरी शादी हो रही है, शादी किधर हो रही थी? शादी किधर करने की एग्जाम्पल ले रहे ना अपन, बड़ा ले लो, सबसे बड़ी शादी किधर हो सकती है इंडिया में? जयपुर। जयपुर में शादी कर रहे, सबसे महंगे वाले पैलेस में, स्पॉन्सर और शुभम जोशी।
प्रोफेसर शुभम जोशी उर्फ लॉ का भाई, इन्होंने बोला सर आप टेंशन मत लो, बड़ा भाई बेटा मैं खर्चा करूंगा। मैं बोला मना थोड़ी ना कर सकते बड़े भाई को। और पंकज सर बोले टेंशन मत लो, ये ड्राई स्टेट तो है नहीं, अगर बाकी का कुछ इंतजाम रहेगा तो उसका कोटा मैं संभाल लूंगा। मैं बोला वो भी ठीक है। पंकज सर का वैसे बर्थडे आज, आए नहीं अभी तक वो क्लास में, हैप्पी बर्थडे पंकज सर, अगर ये वीडियो देखा रहेगा तो कमेंट करके रिप्लाई देना, ठीक है। चलो तो अभी मेरी शादी कहाँ पे हो रही है, जयपुर। तो वो शादी करने के लिए मैंने ना एक हेयर ड्रेसर को मंगवाया। मैं बोला बाल एकदम भारी दिखने चाहिए शादी के अंदर। वो जो हेयर ड्रेसर मैंने मंगाया था ना वो किधर से आया था, लेट से हैदराबाद। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, जहां पे शादी हो रही है किधर हो रही है, जयपुर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, जयपुर। ऑनलाइन स्टूडेंट समझा क्या? और अगर मेरी शादी देखना चाहते हो तो नीचे QR कोड दिया हुआ है, वो क्या बोलते रहे उसको अपन सुपर चैट। हाँ ये वीडियो को सुपर चैट चालू करवा रहा हूँ मैं, उसके अंदर डोनेशन देना चालू कर दो। याद रखना जितना डोनेशन तुम लोग देंगे उतने में मेरी शादी होगी। कोर्ट मैरिज का कम से कम खर्चा 500 रुपये आता, तो एटलीस्ट 500 रुपये तो देना, नहीं तो शादी नहीं होगी। ठीक है चलो अगला पॉइंट किसकी बात चालू है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो अगर आप लोग आपके स्टाफ के लिए कोई भी ट्रेनिंग का सर्विस दे रहे हो या उनका परफॉर्मेंस रिव्यू करके अप्रेजल करवाने वाले थे, ठीक है, लेट से अग्रवाल क्लासेस, ठीक है, पूरी टीम को एक ट्रेनिंग देने के लिए लेके आया। अभी इमेजिन करो ना आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी, आप लोग कैसे पढ़ रहे, इधर आईपैड पे लिखा जा रहा, इधर आप लोगों को टीवी पे दिख रहा और इधर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को यूट्यूब पे दिख रहा। अभी तक ऐसा टेक्नोलॉजी आया कि ऐसे हवा में लिखेंगे और सब तुम्हारे को ऐसे सामने दिखता। ये मूवी देखिए क्या, क्रिश वगैरह, ये एक सलमान खान की भी मूवी है जिसके अंदर ऐसे कुछ तो ऊपर आता वो नीचे से टक टुक करते रहता, या वो टोनी स्टार्क वगैरह करता। वैसे अभी तक टीचिंग इंडस्ट्री में आया क्या, नहीं। अभी मान लो ना चलो वो एक अभी ये चीज आ गई, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी आ गई, और टेक्नोलॉजी हम तो इतने एक्सपर्ट है हमारे को कुछ भी नहीं आता उसके अंदर का। तो ये ट्रेनिंग देने के लिए अग्रवाल क्लासेस ने क्या किया, एक सेमिनार हमारा लगवाया कि ये सब चीजें हमारे को सिखाएंगे कि बिना पेन बिना आईपैड का बच्चों को कैसे पढ़ाते। ये ट्रेनिंग कहाँ पे हो रही थी, ध्यान से देखना, ट्रेनिंग कहाँ पे हो रही थी, गोवा में। अभी गोवा क्यों जाने का वो तो संकेत सर को पूछो, बाबा हम बोले थे पुणे में करा, उन्होंने मना किया। अग्रवाल क्लासेस किधर रजिस्टर्ड है, पुणे। ट्रेनिंग कहाँ पे हो रही है, गोवा। ट्रेनिंग देने वाला बंदा किधर से आ रहा है, जम्मू कश्मीर से, यानी कि यहाँ का बन गया मेरा सप्लायर। रेसिपिएंट किधर का था, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, गोवा। क्यों, क्योंकि वहां पे ट्रेनिंग हो रही ना एक्चुअल में, समझा क्या। अभी साथ ही साथ में क्या हो गया, लेट से इधर और एक बिजनेस था और एक दूसरी क्लासेस थी, लेट से कौन सी क्लासेस थी, पप्पू क्लासेस। पप्पू क्लासेस ने हमें क्या बोला, देखो अगर आप लोग सेमिनार ऑर्गेनाइज करवा ही रहे हो ना तो हमारी भी फैकल्टी वहां पे आ जाएंगी, जो खर्चा है वो दोनों अपन मिलके आधा आधा कर दें। हम बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है ना, एक मिनट, थोड़ा सा प्रोविजन गलत हो गया, सॉरी। जम्मू एंड कश्मीर का कौन था मेरा सप्लायर, वो क्या कर रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, दो लोगों को ट्रेनिंग दे रहा, एक दे रहा है वो अग्रवाल क्लासेस को जो कि GST के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड। किधर रजिस्टर्ड है, पुणे। और दूसरा किसको वो ट्रेनिंग दे रहा है, पप्पू क्लासेस। पप्पू क्लासेस GST में क्या है, अनरजिस्टर्ड। ट्रेनिंग कहाँ पे दी जा रही है, गोवा। तो अगर ट्रेनिंग रजिस्टर्ड बंदे को दे रहे ना तो प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, यानी कि इधर आंसर क्या आएगा मेरा, पुणे। देखो यहाँ पे अगर ये ट्रेनिंग किसको दे जा रही है, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज पुणे। बट अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, लोकेशन ऑफ सच सर्विसेस, यानी कि यहाँ पे कहाँ पे सर्विस दी गई थी, गोवा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, गोवा। देखो यहाँ पे दोनों मिलके करेंगे ना, बट ये जब बिल करेगा इशू तो बिल तो दोनों को अलग अलग करेगा ना, एक ही नाम पे बिल कैसे क्या आएगा। बाद में अगर डिवाइड करेंगे तो बिल पूरा अग्रवाल क्लासेस अपने नाम पे लेगा और बाद में अग्रवाल क्लासेस बिल करेगा पप्पू वाले को, ऐसा, ठीक है। चलो फिर अगला पॉइंट क्या हो रहा है, देखो कोई तो भी है ना, एक कल्चरल, नहीं तो आर्टिस्टिक, नहीं तो स्पोर्टिक,
नहीं तो साइंटिफिक, नहीं तो एजुकेशनल, नहीं तो एंटरटेनमेंट इवेंट, नहीं तो अम्यूजमेंट पार्क, वहां पे है, वहां पे एक इवेंट हो रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। आप लोग सिर्फ वहां पे क्या कर रहे हो, अपने आप को एडमिशन कर रहे हो, मतलब तुम जाओ मत, जो वो इवेंट होने वाला है, बट क्योंकि वो इवेंट हो रहा है तुम लोग वहां पे जा रहे हो। ठीक है, लेट्स से अरिजीत सिंह यार अभी स्पेलिंग, हाँ बराबर है, अरिजीत सिंह मुंबई में कॉन्सर्ट करने के लिए आया। अभी गोविंद बोल रहे कि मैं वो कॉन्सर्ट में नहीं जाऊंगा, तो अरिजीत सिंह क्या बोलेगा, मैं गाना ही नहीं गाऊंगा क्योंकि गोविंद नहीं आया। ऐसे होने वाला है क्या, गोविंद आए या ना आए, वो बंदा तो गाना गा रहा, वो गाना गाने वाला है, ये बंदा सिर्फ वहां पे जाने वाला है, तो गोविंद का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, जहां पे इवेंट एक्चुअली हो रहा है ना, इसने ऑर्गेनाइज कराया है क्या इवेंट, नहीं। अभी उधर इमेजिका का खपोली में पार्क बना हुआ है, अगर गोविंद नहीं गया तो राइड नाइट्रो क्या बोलेगा, मैं नहीं चलने वाला, गोविंद चलाने के लिए आज आया ही नहीं मेरे को राइड, वो वाली, ऐसे होता हुआ क्या, नहीं। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहता है, जहां पे आपका इवेंट हो रहा है वो आपका बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। बट गोविंद को ये बात इतनी बुरी लगी कि गोविंद कल जाके बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत बड़ा, इतना बड़ा आदमी बन गया कि उसने कंपनी खोली और डे वन पे बोला, करण सर बहुत मजाक उड़ाते थे ना आप मेरा, ये लो आज से मेरे इधर आप काम करोगे सीएफओ बोल के। अभी मैं क्या बोल सकता ना, भाई ने 10 लाख रुपए पर मंथ का पैकेज भी दिया था, अग्रवाल क्लासेस में कितना मिलता हर महीने, 20,000। अभी तुम देखो इतनी बड़ी ग्रोथ मिली तो भाई लालच तो आएगा, किसी को भी आएगा। मैं बोला ठीक है सर, गोविंद सर यस जरूर आपके यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। और पिछली बार क्या बोले थे, अरिजीत सिंह मुंबई में, इन्होंने अरिजीत सिंह को स्पेशल बुलाया गाना गाने के लिए, मतलब यहाँ पे अरिजीत सिंह गाना गाने नहीं वाला है, इन्होंने बुला के उसको गाना गाने के लिए लगाया। देखो दोनों में फर्क है, पहले केस में इवेंट हो रहा था ये भाई वहां पे जा रहा था, दूसरे केस में क्या हो गया, इसने इवेंट को बुलाया है, यानी कि इवेंट को क्या कराया, ऑर्गेनाइज कराया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, अगर गोविंद रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, यानी कि गोविंद का लोकेशन, और अगर गोविंद अनरजिस्टर्ड है तो क्या आएगा, जहां पे इवेंट एक्चुअली हो रहा, और अगर इवेंट इंडिया के बाहर हुआ तो क्या आएगा आपका, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है यहां तक? अगला पॉइंट, आप लोग क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स को इंक्लूडिंग कुरियर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड पर्सन मालूम नहीं है कौन है, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, जहां से गुड्स को हैंड ओवर किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो डेस्टिनेशन यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन आउटसाइड इंडिया। फिर अगर आप लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो पैसेंजर का, तो सबसे पहले चेक करो क्या पैसेंजर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बट अगर ये जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, जहां से उसने अपनी जर्नी एम्बार्क की मतलब जर्नी स्टार्ट की। लेट से एक फ्लाइट है वो जा रही थी दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से गोवा, गोवा से हैदराबाद, हैदराबाद से आसाम। ठीक है, इसके अंदर दो पैसेंजर गोवा में एम्बार्क किए, मतलब क्या, उन्होंने अपना पॉइंट मतलब वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की। दो बंदे थे, एक था मिस्टर गोविंद, क्योंकि गोविंद बड़ा आदमी बन गया तो गोविंद जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड, और इसने अपना आपका रजिस्ट्रेशन कहां पे लेके रखा हुआ है, अंडमान निकोबार आइलैंड। और दूसरा उसका एक छोटा सा स्टाफ, नहीं जानते उसका स्टाफ है, को अलग बनेंगे अपन किसी और को, और एक बहुत बड़े हस्ती थे मिस्टर सैम, ये जीएसटी में क्या है, अनरजिस्टर्ड। ठीक है, अभी ये जर्नी कहां से स्टार्ट हुई थी, गोवा, किधर, गोवा से हुई। फ्लाइट किधर से चालू हुई थी जर्नी, फ्लाइट की दिल्ली, किधर खत्म होने वाली है, आसाम। गोविंद ने जर्नी कहां से स्टार्ट की, सैम सर ने किधर से स्टार्ट की, गोवा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, गोविंद क्योंकि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कहां पे रजिस्टर्ड है, अंडमान निकोबार आइलैंड, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड, यानी कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी।
क्या सैम सर जीएसटी में रजिस्टर्ड है क्या? नहीं, उनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? जहां से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की, कहां से स्टार्ट की, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? गोवा। समझा? ठीक है, अगला पॉइंट किसकी बात करता, ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस इंक्लूडिंग वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल। ठीक है, ये जर्नी जब इधर जा रही थी, ये दोनों महाशय को है ना भूख लगी, भूख लगी तो इन्होंने खाना मंगा लिया फ्लाइट में। अच्छा, खाना मंगाया, फूड याद है शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज बी, रेस्टोरेंट का सर्विस क्या रहते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस, इन्होंने सर्विस लिया ऑन बोर्ड। तो ये जो इन्होंने फूड मंगाया उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? तो वो क्या बोलते हैं कि तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड है क्या नहीं रजिस्टर्ड है फर्क नहीं पड़ता, अगर कन्वेयंस के ऊपर कोई भी सर्विस ली उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट। यानी कि ये पूरा जर्नी चालू कहां से हुआ था? दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? दिल्ली। समझा क्या? इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? दिल्ली। इज इट क्लियर? चलो फिर अगला पॉइंट किसकी बात करता है, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेस, आपका मोबाइल हो गया, आपका इंटरनेट हो गया। सबसे पहले अगर ये फिक्स टेलीकॉम लाइन है, यानी कि आपके घर पर अगर लैंडलाइन का फोन आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा? जहां पे आपका लैंडलाइन का इंस्टॉलेशन है। अगर ये पोस्टपेड कार्ड है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, इसका एग्जांपल क्या रहता? गर्लफ्रेंड। और प्रीपेड का क्या रहता? शादी। ऐसे एग्जांपल याद नहीं रखने के बिल्कुल भी, ये को शुभम सर कुछ तो बोलते तो दिमाग में बैठ जाता मेरे, तुम्हारे मत बिठाओ। तो पोस्टपेड के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? बिलिंग एड्रेस, यानी कि जहां पे आप लोगों का बिल आने वाला है वो। फिर दूसरा क्या है आपका, मोबाइल कनेक्शन फॉर टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि अगर वो एजेंट के थ्रू कोई भी आपका ये बेच रहे, रिचार्ज वगैरह बेच रहे, जैसे कूपन कोड वगैरह आ जाता, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा? एजेंट का एड्रेस। बाकी के केस में क्या आएगा? जो भी रेसिपिएंट का लोकेशन है वो बन जाएगा। फिर बात चालू है बैंक की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। देखो क्या हो गया यहाँ पे, एक बार शुभम सर और पंकज सर कहीं तो घूमने गए। ठीक है, पंकज सर का एक बैंक अकाउंट है, कौन सी बैंक में? लेट्स से बैंक ऑफ बड़ौदा। तो शुभम सर का बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई भी अकाउंट नहीं है। ये लोग एक बार घूमने के लिए गए, किधर घूमने के लिए गए? जम्मू एंड कश्मीर। इनको जम्मू कश्मीर में जाके अर्जेंट डीडी निकालना पड़ा बाय सम रीजन। तो ये लोग कौन सी बैंक में गए डीडी निकालने के लिए? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो मुझे बताओ बैंक ऑफ बड़ौदा में किसका अकाउंट है? पंकज सर का अकाउंट है। शुभम सर का है क्या? नहीं, पंकज सर का है। ये डीडी बनाने का चार्ज लगा 100 रुपए। तो ये 100 रुपए का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? देखो पंकज सर का बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या है? अकाउंट है। तो यहाँ पे पढ़ो, अगर अकाउंट रहेगा यानी कि उसका एड्रेस भी रहेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, यानी कि इस केस में पंकज सर का अकाउंट किधर था? लेट से पुणे में था, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? पुणे। बट यहाँ पे एड्रेस है क्या? नहीं। तो अगर एड्रेस नहीं रहा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर। अच्छा, यहाँ पे सप्लायर किधर का है? जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट। सेम आता है इंश्योरेंस के साथ। अगर आप कोई भी इंश्योरेंस निकाल रहे हो, आप रजिस्टर्ड हो तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो अगर आपका एड्रेस रहेगा तो वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं रहा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर अगर आप कोई भी एडवर्टीजमेंट ले रहे हो गवर्नमेंट से, तो अगर आप कोई भी एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहे हो गवर्नमेंट को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? हर वो स्टेट जहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट चल रहा है। फिर अगला आता है आपका सेक्शन 13, जो की बात करता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन यानी कि क्या? या तो सप्लायर या तो रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। तो उस केस में सबसे पहले जनरल सेक्शन 13(2) क्या बोलता कि एक तो सबसे पहले आप लोग प्लेस ऑफ सप्लाई किसके हिसाब से लोगे? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। किसका लोकेशन लोगे? रेसिपिएंट का। और अगर वो भी नहीं मिल रहा आप लोगों को तो क्या लोगे आप लोग? लोकेशन ऑफ सप्लायर को क्या ले लोगे आप लोग? प्लेस ऑफ सप्लाई। वापिस से 13(2) क्या बोलता है? सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई किसको लेने का? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अगर ये भी नहीं मिला तो किसको लेने का? लोकेशन ऑफ सप्लायर।
फिर इधर अगला पॉइंट आता है कि आप लोग कोई भी सर्विसेज ऐसे गुड्स के ऊपर कर रहे हो जहां पे आप लोगों को गुड्स का क्या चाहिए, फिजिकल अवेलेबिलिटी, यानी कि फिजिकली गुड्स प्रेजेंट रहेंगे, आप उसके ऊपर कोई भी सर्विस दे रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस जहां पे आप लोग काम कर रहे हो वो बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा किसकी बात कर रहे हैं, एक ही मिनट, हाँ ये तो उसी के अंदर का पॉइंट जाने दो। दूसरा अगला किसकी पॉइंट कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, जहां पे आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एडमिशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल और आर्टिस्टिक इवेंट, देखो ऊपर वाले सेक्शन 12 में एडमिशन अलग था, ऑर्गेनाइजेशन अलग था, इधर दोनों मिलके एक ही है, या तो एडमिशन करो नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन करो। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, जहां पे इवेंट एक्चुअली हो रहा है। अभी इसके अंदर एक मजेदार बात है, देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी या तो एडमिशन या तो क्या बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर ये एक बंदा है लेट से पुणे का, उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है फ्रांस वाले बंदे को इंटीरियर की सर्विस लेने के लिए, और इंटीरियर की सर्विस वो तीन जगह पे ले रहा है, एक ले रहा है दुबई में, एक ले रहा है सिंगापुर में, और दूसरा किधर ले रहा है, गोवा में, यानी कि उसका एक पार्ट तो भी इंडिया के अंदर है, तो पूरा का पूरा सप्लाई किधर माना जाएगा, इंडिया में। सिमिलरली पुणे के बंदे ने फ्रांस के बंदे को बोला मेरे बिहाफ पे तू एक शो ऑर्गेनाइज करवा, किधर किधर शो होना चाहिए, एक तो दुबई में, एक तो सिंगापुर में, एक तो गोवा में, यानी कि कुछ पार्ट इंडिया के बाहर, कुछ पार्ट इंडिया में, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, पूरा इंडिया। इज इट क्लियर, चलो ठीक है। फिर अगला पॉइंट बोलता है, ठीक है चलो ये तो नॉर्मल है, अगला पॉइंट किसकी बात करता है, बैंकिंग कंपनी, इंटरमीडियरी सर्विसेज, बैंक को रिलेटेड कोई सर्विसेज, और ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना, हायरिंग बाय मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग यॉट, यॉट को पकड़ के अगर कोई भी तुम लोग क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट का वेसल, ट्रांसपोर्ट का मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट की चीज है उसको रेंट पे ले रहे हो, बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट अप टू अ पीरियड ऑफ 1 month, एयरक्राफ्ट और वेसल को छोड़ दो जो 1 महीने तक रेंट पे ले रहे हो, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा आपका, लोकेशन ऑफ सप्लायर, क्या आएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर। ये चारों एग्जाम्पल्स आपको, तीनों एग्जाम्पल्स अभी रीड करने, एक बार रीड कर लो इसको सबको, तीनों एग्जाम्पल्स। चलो हो गए पढ़ के तीनों बातें आपकी, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। आप लोग क्या कर रहे हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस कर रहे हो, गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, जो आपके गुड्स का डेस्टिनेशन था वो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, जहां से बंदे ने अपनी जर्नी स्टार्ट की वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, यानी कि यही इंटरनेशनल फ्लाइट में गोविंद और सैमसर थाईलैंड जा रहे थे, रस्ते में उनको भूख लग गई, खाना खा लिया, तो जहां पे इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, जहां से ये फ्लाइट चालू हुई थी वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर OIDAR सर्विसेज, यानी कि ये जो यूट्यूब के ऊपर एड वगैरह देखते हो आप लोग, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हो तो जहां पे सर्विस दिया वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई।
कुछ क्लैरिफिकेशन है जो इतने बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे हुए अपन ने, उसको अपन सिंपली पढ़ेंगे। अगर कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आप लोग सर्विस दे रहे हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या जाएगा आपका? देखो, इफ सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम अ टैक्सेबल टेरिटरी आर प्रोवाइडेड एज पर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी एंड सर्विस रेसिपिएंट लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। यानी कि लेट्स से एक बंदे ने फार्मास्यूटिकल कंपनी को सर्विस या कुछ रिसर्च करके, वो कंपनी सिचुएटेड थी जर्मनी, ये बंदा रहता था पुणे में, तो जो बंदा सर्विस दे रहा है पुणे का है, सर्विस किसको दे रहा है? जर्मनी को आउटसाइड इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा आपका? आउटसाइड इंडिया। क्या आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई? आउटसाइड इंडिया, दैट्स इट। वो इधर सब के अंदर लिखा हुआ है। फिर इधर आता है सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट इंजिन एंड अदर एयरक्राफ्ट कॉम्पोनेंट्स। दुबई की एक फ्लाइट थी, मुंबई आई, मुंबई से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी। मुंबई में बाय एनी चांस उसका एयरक्राफ्ट खराब हो गया, एक इंडिया के रजिस्टर्ड बंदे ने उसको सर्विसेज दिया। अभी अपन देखेंगे तो सर्विसेज एक्चुअल गुड्स पे दिया, तो सेक्शन 13(3) ने स्टार्टिंग में ही बोला था अगर कोई सर्विस एक्चुअल गुड्स के ऊपर दी जाए तो प्लेस ऑफ सप्लाई आता है जहाँ पे सर्विस दी गई। यानी कि उसके हिसाब से इधर प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई आना चाहिए था जहाँ पे सर्विस दी गई, बट एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई भी एयरक्राफ्ट या वेसल बाहर की कंट्री से आपकी कंट्री में आ रहा, आप उसके ऊपर कोई भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कर रहे हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा वो एयरक्राफ्ट जहाँ पे रजिस्टर्ड है वो वाला प्लेस। यानी कि दुबई की अगर फ्लाइट मुंबई में सर्विस ले रही है अपना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा? दुबई आ जाएगा। चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले सारे पॉइंट इसके अंदर के हो गए, प्लेस ऑफ सप्लाई के भी अपन क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई को आज सॉल्व करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई को अपन कल देखेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार कंफर्म कर लो आवाज ठीक से आ रही है क्या सबको? चलो स्टार्ट करेंगे अभी। मैसेज नहीं आ रहा किसी का, बराबर नहीं है ये, जल्दी जल्दी मैसेज करो। यस यस यस, ओके। एक ही मिनट बच्चों, एक मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं अपन, तब तक वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। हेलो, ठीक है स्टार्ट करेंगे अभी। इलेवन पे सीधा, चलो सीधा क्वेश्चन नंबर 11, 16 मार्क कसम। चलो इसके प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के अपने को,
Determine the place of supply of goods or like services in the following cases as per the provisions of IGST. X Limited of Mumbai assembles machinery for Z of Chennai at Bangalore. Place of supply, Bangalore. आया नहीं. फिर JJ Paints exported paints to London from Ahmedabad. ये export का case हो गया. Place of supply, London. HRD Limited Hyderabad provides training and performance appraisal at Varanasi to the employees of KK Limited and unregistered entity located in Patna. तो जहां पे आपका इवेंट हुआ था किधर हुआ था? वाराणसी. अरे क्या हो गया रे, क्या आएगा यार, क्या आएगा आंसर अपना? वाराणसी. फिर Y of Rajasthan sells car to ABC car to ABC Limited at Surat of Gujarat. तो place of supply क्या आएगा? Surat. हाँ. Mrs. Bhargavi is a registered supplier under GST law in Coimbatore, Tamil Nadu, running a factory for manufacture of electric motors for giving training. अच्छा ये registered है क्या? हाँ. For giving training to her employees, she has utilized the services of Vibrant Trainer Private Limited, a registered supplier in Thrissur, Kerala. The training programs are to be held at Thrissur. What will be the place of supply by Vibrant to Bhargavi? क्या आएगा? Coimbatore आएगा. यानी कि क्या बन जाएगा? तमिलनाडु. Will your answer be different? Is Bhargavi is not registered supplier? Yes, answer change होएगा. क्या जाएगा? Thrissur. मतलब क्या बन जाएगा? Kerala. In the situation given problem, if training is to be provided at Singapore, yani ki outside India ho gaya, to place of supply kya ga? Location of recipient, yani ki kya tha idhar apna? Tamil Nadu. Kya ban jayega idhar? Tamil Nadu. And yehi question ek aise test mein bhi pucha tha aap logo ko, theek hai? To ye important hai. Determine the place of supply. Ajay, the owner of an immovable property located in New Delhi, gives on rent the said property to Basant of UP for use in the commercial purpose. Property is located in New Delhi. Place of supply kya jayega? New Delhi. Rahul, a Delhi-based interior decorator, provides his professional services to Rama Enterprises of Agra. Rahul kya hai? Supplier. Kidhar ka hai? Delhi. Services kisko de raha? Agra wale ko. Property kidhar hai? पंजाब. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा? पंजाब. अ यूएसए बेस्ड कंपनी पजेसिंग अ स्पेशलाइजेशन इन मिनरल एक्सप्लोरेशन हैज बीन अवार्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट बाय सिंगल सन माइंस ऑफ जयपुर फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक साइट लोकेटेड इन कैनेडा. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा इस केस के अंदर? कैनेडा आएगा ना. क्या आएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई? किधर गया रे? हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? कैनेडा, जहां पे एक्चुअल सर्विस हो रहा है सेक्शन 13(3) के हिसाब से, 13(4) सॉरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पे लोकेटेड है. फिर क्या आ रहा है? रोहित, अ कंसल्टिंग इंजीनियर, प्रोवाइड्स हिज प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू अ यूके बेस्ड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 प्रॉपर्टीज लोकेटेड इन यूके, यूएसए, दुबई. प्लेस ऑफ सप्लाई तो आउटसाइड इंडिया ही आएगा. कुछ भी इंडिया के अंदर है क्या? नहीं. इंडिया इधर एक आधा नाम दे देते ये लोग, गोवा. तो पूरा का पूरा किधर आता? इंडिया. अ दिल्ली बेस्ड बिल्डर प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्शन सर्विसेज टू पंजाब बेस्ड कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यू बिल्डिंग इन बांग्लादेश. इफ प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. रेसिपिएंट किधर का है? पंजाब. आंसर क्या आएगा? पंजाब. फिर ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई. ये रहा और एक क्वेश्चन. ओमेगा इवेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एट मुंबई ऑर्गेनाइजेस मैरिज फंक्शन फॉर राकेश, मतलब जो कर्नाटका का है. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? राकेश इज रजिस्टर्ड एट हुबली, उससे क्या फर्क पड़ेगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा मेरा? कर्नाटका. क्यों? कर्नाटका में क्या हो रहा? एक मिनट, एक सेकेंड ना, मेरा क्वेश्चन मिस हो गया कुछ तो रीड करने का. ओमेगा इवेंट, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रजिस्टर्ड एट मुंबई, यानी कि मुंबई का क्या बन गया आपका?
सप्लायर ऑर्गेनाइजेस, अच्छा ऑर्गेनाइज करा रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा है। मैरिज फंक्शन फॉर राकेश ऑफ हुबली, अच्छा हाँ राकेश इज रजिस्टर्ड इन कर्नाटका, फंक्शन किधर हो रहा है, लंदन। सप्लाई ऑफ सर्विस गिवन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि क्या आएगा कर्नाटका। राकेश इज रजिस्टर्ड इन हुबली, फंक्शन इज हेल्ड एट दिल्ली। अगर वही लॉजिक लगाएंगे तो वापिस से ये जहाँ पे रजिस्टर्ड है यानी कि क्या बन जाएगा आपका कर्नाटका। राकेश अनरजिस्टर्ड है, फंक्शन दिल्ली में हो रहा, लोकेशन ऑफ जहाँ पे इवेंट हो रहा है यानी कि दिल्ली। राकेश अनरजिस्टर्ड है, फंक्शन लंदन में हो रहा, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट यानी कि क्या आ जाएगा वापिस से कर्नाटका। खत्म दूसरे क्वेश्चन से, चलो डन हो गया अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। कल अपन टाइम ऑफ सप्लाई को खत्म करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का थोड़ा सा रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय।